लेकिन एक बदलाव हो रहा है, ये भी एक हकीकत है। मैं शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सुनाऊंगी, नहीं नहीं मैं शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सुनाऊंगी और उस पर भी पीछे उसके पीछे की मंशा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बार जरा विजय त्रिवेदी जी को ले आइए स्क्रीन पर। विजय जी जरा आप बताइए, क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा का ये एक बयान है, उसके साथ शुभेंदु अधिकारी का दूसरा बयान है, बयानों को मिलाकर देखना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि आज जब हिमंता ने यह कहा कि ये असम में हो रहा है, क्या ये दूसरे राज्यों में भी हो सकता है? बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये रियलिटी है कि नहीं? देखिए सुचित्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां, जैसे असम का जिक्र किया शिवशंकर जी ने, जिक्र किया कि बहुत जगह पर जहां आबादी अचानक बढ़ी है या बहुत बड़ी तादाद में आबादी बढ़ी है एक तबके की, एक समुदाय की, तो उसका कारण, एक बड़ा कारण है इलीगल इमिग्रेशन। लेकिन NFHS के जो वो है आंकड़े देखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, तो उसमें बताया है कि मुस्लिम आबादी की जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो कम हुई है, यानी जो पहले ज़्यादा थी उससे अब वो कम हुई है। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम आबादी उस तरह से नहीं बढ़ रही, और ये आशंका बार बार जाहिर करना, तो जो हमारे पास आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अगले 100 साल में भी कभी हिंदू हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते मुसलमानों की तादाद बढ़ने के साथ साथ। लेकिन एक पॉलिटिकल इशू है, एक चिंता का विषय है कि कुछ खास इलाकों में कहीं अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है और उसके क्या रिपरकशंस हैं, इस सब की भी चिंता करने या ध्यान रखने की जरूरत है। शुभेंदु जी का भी जो बयान आया, अब वो बयान का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि शुभेंदु जी अभी तक TMC में थे तो कहते थे एक हाथ मेरा मुसलमान का है, एक हिंदू का है, मैं दोनों हाथ से खाना खाता हूँ। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो अभी उनके ज़्यादा प्याज खाने का मौसम है, तो वो बोल रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बार बार सबका साथ सबका विकास की बात, मोहन भागवत जी हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है, और तमाम तरीके की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो एक कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर रहा है और एक कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को, लीडरशिप को अपनी राय साफ करनी चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या उनके साथ हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। विजय जी आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पर्सपेक्टिव में रखा है जी, और मुझे लगता है कि ये सवाल इसलिए यहाँ बनता है क्योंकि क्या जो लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद अलग अलग मंथन अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं, तो कोई सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब ये वाली फिलॉसफी क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग इस फिलॉसफी पर, मैं विष्णु जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस पर भी मुझे बात करनी है, आनंद जी के का रिएक्शन लेना है, मुमताज जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं एक बार जरा सुनवा देती हूं कि क्या कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, क्योंकि उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी लिया है उस पर, लेकिन पहले बयान सुनिए। हिंदू बचाबो, संविधान बचाबो, आर बोलबो, आमियो बोले छी राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनाराओ बोले छेन सबका साथ सबका विकास, आर बोलबो ना, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास, बंद करो। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है सबका साथ सबका विकास बंद करो, उसके बाद उनकी क्लैरिफिकेशन एक्स पर आई, उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं कहा था, मैं अभी भी उसमें विश्वास रखता हूं कि सबका साथ सबका विकास, अब ये पता है उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। लेकिन जो उन्होंने कहा है विष्णु जी, जो उन्होंने कहा है, अंदर खाने बहुत से लोग इस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये क्या हकीकत नहीं है? क्या ऐसा सोचा जा रहा है? बहुत से आप भी ऐसे डिस्कशंस का हिस्सा होते हैं जिसमें ये मंथन होता है। विष्णु जी देखिए सुचेता जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल फैक्ट इस देश का ये है कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। मैं किताब को कोट करना चाहता हूँ, अम्बेडकर थॉट ऑन पाकिस्तान, मैंने उसको काफी डिटेल में पढ़ा और मैं चाहूंगा कि सारे पैनलिस्ट उसको पढ़ें। उसमें जो अंबेडकर साहब ने चिंता जताई थी
मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं जो पार्टीशन के दौरान था, और उसी तरह से वही समस्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इस मानसिकता से इस देश में अगर काम हो रहा है तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन है, और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो देश की अस्मिता है, जो संविधान की मूल मंशा है, उसके खिलाफ है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ और कोट कर रहा हूँ, 2005 5 SCC पेज 688, इसका पैराग्राफ नंबर 16, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता जो उस समय के होम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था 6 मई 1997 को, और बयान क्या था कि 10 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इस समय भारत में घुस चुके हैं, और उन्होंने अलग अलग आंकड़ा दिया था, वेस्ट बंगाल में 5.4 मिलियन, आसाम में 4 मिलियन, त्रिपुरा में 0.8 मिलियन, बिहार में 0.5 मिलियन, महाराष्ट्र में 0.5 मिलियन, राजस्थान में 0.5 मिलियन, दिल्ली में 0.3 मिलियन, टोटल ऑफ 10.83 मिलियन, और कम्युनिटी वाइज आंकड़ा भी दिया था। इसके बाद यह भी कहा था, इन द केस ऑफ मुस्लिम्स द आसाम ग्रोथ रेट वॉज मच हायर देन ऑल इंडिया रेट, मतलब आसाम में भारत के परिपेक्ष में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। This suggests continued large scale Muslim illegal immigration into Assam. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस समय के होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था। और अगर मैं यही बात मैंने यहाँ पे कही है सुचरिता जी, कि आज हमने देखा अभी चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के केस में एक डायरेक्ट जजमेंट दिया था कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। हाँ। और हमने क्या देखा, पीडीए बना के, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बना के धर्म के नाम पे वोट मांगा गया, जो सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन है। तो यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है कि अगर यहाँ पे इस तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होगी, हाँ। तो चाहे विष्णु शंकर जैन हो, चाहे यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हो, इस तरह की ये जो आग जनरेट की जा रही पॉलिटिकल माध्यम से, इसका असर हमारी पॉलिसी पे भी पड़ेगा, इसका असर हमारे संविधान निर्माताओं पे, कानून बनाने वालों पे पड़ेगा, और सारे इंस्टीट्यूशंस पे पड़ेगा। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जब हिमंता बिस्व शर्मा डेमोग्राफी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि बाकी जैसे राज्य सरकार है, झारखंड है, वहां पर क्यों नहीं उनको चिंता होती, मुझे चिंता होती है, वो क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो सब लोग मुंह सिल लेते हैं, तब उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हल हो सकता है इस तरह की समस्याओं के लिए। मैं सुवेंदु अधिकारी के बयान पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले उस पर आपसे पूछ लेती हूँ, बाकी राज्य सरकारों को क्यों चिंता नहीं है, अगर हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, औरों की बढ़ रही है, हिंदू घट रहा है, हम तो कहते हैं ना शुरू से हिंदू एक संस्कृति है, वो इसी देश में है, और कहां पर रहेगी? देखिए प्रश्न है कि क्या हिमंता बिस्व शर्मा को वाकई चिंता है, प्रश्न यही है कि सरकार उनकी चल रही है, दूसरी बार की सरकार चल रही है, और इस दौरान वो कह रहे हैं कि 40% मुसलमान हो गए और इमिग्रेशन के कारण हो गए, तो ये इमिग्रेशन उनके रहते हुए हुआ ना भाई। हाँ। आप देखिए 2011 की जनसंख्या जब जनगणना हुई तब कितने थे मुसलमान, और आज वो कितना बता रहे हैं, लगभग 8% का फर्क बता रहे हैं, तो ये 8% मुसलमान इस तो उनके ही शासन के दौरान बढ़े ना, जो घुसपैठिए के रूप में बढ़े। आपने किया क्या, आपने CAA NRC की बात की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध असम में हुआ, चूँकि हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी घुसपैठिए के तौर पर चिन्हित हो गई, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जब नेशनल रजिस्टर, जब तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जब देश में घुसे, आप कह रहे हैं हिमंता बिस्व शर्मा की देन है वो आप ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि 8% का जो इंक्रीज दिख रहा है ये हिमंता बिस्व शर्मा के कार्यकाल का दिख रहा है ना। उसके बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई ना, तो आप कह रहे हैं कि 40% हो गए ये मुसलमान वहां पर, कौन सा आंकड़ा है, कहां से लाए आप ये आंकड़ा? अगर आप 40% कर गए तो इसका मतलब है कि 34% तो कुछ साल पहले था, तो ये 6% का, लेकिन थोड़ा सा और हम जाते हैं 2011 की जनगणना में तो लगभग 8% का डिफरेंस। तो वही हाल झारखंड में भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं चिंता जता रहा हूँ, वहाँ के लोग चिंता नहीं जताते, ढोंग कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।